Hey guys, welcome back to our channel Delhi Into Wings. Hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस हम परिजात ड्रामे के एपिसोड 23 पर रिएक्शन दे रहे हैं। काफी मजा आ रहा है गाइस, काफी। और जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चले गए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आप साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। थी मेरी दास्तां, तुम यहां कैसे इन लोगों के साथ? कमरा किराए पे ले रखा है। वो क्या कहते हैं, पेइंग गेस्ट। ये और बात है कि किराया पे करने की नौबत कम ही आती है, बड़ा लिहाज है इन लोगों में। लेकिन मैंने तो उस लड़की की आंखों में देखा था जब तुम्हारा जिक्र हो रहा था, सिर्फ इस कमरे पे काबिज नहीं नजर आए तुम मुझे। लगता है बात दिल तक पहुंच चुकी है शायद। नादान है वो, बहुत मासूम। यहाँ लोग उसकी आवाज कम और अपनी नजरों से जिस्म ज्यादा टटोलते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारा इलाज कराना है। चलो बाकी बातें घर पर होंगी। क्या कहेंगे ये लोग, पैसे वाला दोस्त मिलते ही इन्हें छोड़कर चला गया। नासाज, कमजोर, नासाज। ये तो जानते ही हो। तो बस फिर झरना और उस्ताद को साथ ले चलते हैं। तुम ये सब बहुत खुलूस से कह रहे हो, जानता हूं, पर खान साहब खासे वजादार आदमी है। सर बहुत शुक्रिया। सर आप तो इनके दोस्त हैं, इनकी शायरी तो सुनी और पढ़ी होगी आपने। आप इनसे कहें ना, आपकी फिल्म के नगमे यही लिखें, मेरी तो कोई बात नहीं सुनते। ये तो किसी की भी नहीं सुनता, मगर ये बात तय है कि महापारा की फिल्म के नगमे नासाज ही लिखे। लिख भी देगा यार ये बंदा, गारंटेड है। कैसी बनी है शायर? इशारों में कह दिया कि बढ़िया बनी है। अबे यार, अबे यार, मीठी है। मुझे लगा बढ़िया बनी है। वैसे भी मिठास अब जिंदगी में चाय में ही रह गई। मैं रात भर आपको कॉल्स करती रही और आप हैं कि वहां अपने दोस्त के साथ गप्पे हांक रहे थे। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठकर सदियां लम्हों की तरह बीत जाती हैं, और ये तो फिर एक रात थी, मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह हुई। सच? हाय, कितने खुश नसीब है ना वो आपके दोस्त। आपको पता है मेरी अम्मी तो मुझे 5 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त ही नहीं करती। हो सकता है तुम्हारी कंपनी एंजॉय करने वाला भी हो कोई। हाय, काश काश काश। आप मुझे बताइए, आप मेरी गैलरी कब आ रहे हैं? मुझे आपको कुछ दिखाना है। कोशिश करूंगा जल्द। कोशिश नहीं, बस आज ही आना है आपने। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक आ जाऊंगा आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। उसका दोस्त मिल गया नासाज। भाई ये तो शायर है भाई।
जी सर। आ जाओ। सर आपने बुलाया था। हाँ बैठो। कमल तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना होगा, मगर इसकी राजदारी बहुत जरूरी है। आप फिक्र ना करें सर, ऐसा ही होगा। आपका हर राज मेरा राज है। कुछ दिनों में अखबार में एक ऐड आएगा, एक वैकेंसी का। तुमने कोशिश करनी है किसी भी तरह माजिद को वो ऐड दिखा। वो एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोजीशन है, अच्छी सैलरी है। सर इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपको नाहिदा अभी का कितना ख्याल है, हैरत होती है मुझे। अभी तुम छोटी हो ये सब समझने के लिए, बस अपना अपने घर वालों का ख्याल रखा करो। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो। जब आपने नाहिदा अभी को अपने घर बुलाया था तो मेरी नज़र में आपकी इज्जत बहुत कम हो गई थी, एक मामूली मतलबी इंसान की तरह। किनापे की मजबूरी का गलत फ़ायदा ना उठा के आपने फिर से हम सबको गलत साबित कर दिया। मैं किसी को सही या गलत नहीं साबित करना चाहता था, बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस वजह से आज मुझे ये दुनिया अहमियत दे रही है वो वजह मेरे सामने बहुत मामूली सी है। जानती हूँ सर, और इसी वजह से पैसा है मेरे लिए आपकी इज्जत इतनी बढ़ गई है कि सर मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आप देख सर। जी अच्छा, उन्हें बोर्ड रूम में बिठाओ, मैं फ्री हो के आता हूँ। माजरत, तुम कुछ कह रही थी। इट्स ओके सर, आप अभी मसरूफ हैं, मैं फिर कभी आपसे ये बात शेयर कर लूँगी। प्लीज़ कैरी ऑन। मैं माजिद भाई को ऐड दिखा दूँगी। थैंक यू। कितना कुछ कर रहा है बंदा। क्योंकि पहला प्यार है ना यार उसके पास, इसलिए उसको कमी नहीं होनी चाहिए। उसको दुखी देखा है भाई, उसकी आंखों में आंसू देखे। मुझे बताओ ना कोई परेशानी है? जब उसने कहा है कि वो आएगा तो वो आ जाएगा, तुम क्या फिरकी की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे घूमती फिर रही? मैं आपको पता है ना मुझे इंतजार करना सख्त ना पसंद है, और खासतौर पे तब जब मेरा काम मुकम्मल हो गया। वो मसरूफ आदमी, बड़ा आदमी है, हजार काम होंगे उसके, मसरूफ रहता होगा ना। और देखो उसको अब तंग करना छोड़ दो तुम, वो तो अभी तक तुम्हें बर्दाश्त किए जा रहे। मम्मी आप अच्छा बस सुधर जाओ बेटा, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ तुम। बन गया होगा ना यार वो। कैमरा चल रहा है। कितने तरीके से लगी हुई गाड़ी। सोसाइटी है ना मालिक, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो कोई खास बात मालिक? ये जगह ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि हमारी निगरानी की जा रही है। नहीं तुम लोग यहीं रुक, जिनके पास जा रहा हूँ वो सीधे साधे लोग हैं, इतने पहरेदार देखकर खामखा परेशान होंगे, फिक्र नहीं करो, मैं ख्याल रखो। चौकन्ना रहिएगा मालिक।
ये देखते ही रहते हैं इधर उधर, इनका काम यही है। मुझे पता था देर से ही सही, लेकिन आप आएंगे जरूर। और पता है मैंने अम्मी से शर्त लगा रखी थी और देखिए मैं जीत गई। पता तो चले क्या दिखाना चाहती हो जिसके लिए इतनी कॉल्स की है। सरप्राइज है, लेकिन उसके लिए ना आपको आंखें बंद करनी होगी और मेरे साथ चलना होगा। क्या मतलब? हाँ हाँ सरप्राइज है ना, प्लीज 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 आंखें बंद करें। लो है बंद की है, और चीटिंग नहीं करनी। ठीक बंद है ये, अब साथ साथ चलते जाएं मेरे। आते जाइए और मेरी आवाज फॉलो करते जाइए। आंखें बंद है ना? बिल्कुल। अब 1 2 3 पे आपने अपनी आंखें खोल ली। ठीक। 1 2 3 खोले। ये बना दिया इसने यार। बहुत सही यार। अंदाजे से यार इतना ही बना दिया, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। परिजात से आप बताए ना, आपको कैसा लगा आपका मुझसे? बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। कर क्या? लम्स की नजर है, जैसे मेरे पोरों ने छूकर उंगलियों से तराशा है। ऐसे दिखते हैं, मेरे दिल बिल्कुल ऐसे दिखते हैं आप। गाइस मजा आ गया यार, मजा आ गया यार एपिसोड में। इस एपिसोड में भी बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ दिखा दिया यार। एक तो यही दिखा दिया इसका पूरा वो मुजस्मा बन चुका है और ये बंदा सरप्राइज हो चुका। और मतलब ये है कि वो जो नसाज है, नसाज के साथ हाँ, जो बातचीत है ना हाँ, वो बहुत सही है यार। यार वो तो खैर जब दो बंदे एक जैसे मिलते हैं तो यार बातें तो होती हैं, तो वही है। और नाहिद वाला जो बात हो रही है, मतलब यार वो इतना सब कुछ मतलब कर रहा है, वो कर रहा है उसके लिए, माजिद के लिए नहीं कर रहा, वो कर नाहिद के लिए रहा है ताकि नाहिद खुश रहे। वो इसलिए यार उसके आंखों में आंसू देख लिए यार उसने। वो मेरा पहला प्यार है पर इस तरह नहीं देख सकता है बंदा आंखों में आंसू। और गाइस यमुना जैदी की यार एक्टिंग की तारीफ है, जो एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही है यार, नहीं कर सकता यार कोई मतलब ऐसे ना, मतलब रियली लग रहा है। अब परिजात ना मतलब शॉक हो गया कि यार इसकी नजर में मैं ऐसा बन, ऐसा दिखता हूं मैं यार हाँ। और अगर ये मुझे रियल में देखेगी हाँ तो भाई मैं कहीं ये मतलब दूर ना हो जाए, अब इसको ये डर रहेगा हाँ। ये इसी डर से तो ये मतलब वो कर रहा था पहले हाँ। यार इसने तो मतलब इतना बढ़िया वो बना दिया, नहीं इसी डर से ये इससे मिलना नहीं चाहता था, सभी मना कर रहा था, पर फिर उसको बाद में पता लगा कि यार ये तो देख ही नहीं सकते। तो
मजा आ रहा है तो ये इंटरेस्टिंग हो गई है स्टोरी ना, ये इंप्रेस हो चुका है। हाँ, आगे और इंटरेस्टिंग होगी स्टोरी, मजा आएगा। भाई नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 24 स्टार्ट करेंगे, एपिसोड 23 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो भाई इस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।